हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी स्टीर अवे डे फॉर यू। एंड आज है 5 अप्रैल। घर पे बैठे थे, फ्री टाइम था थोड़ा, आज ज़्यादा ये काम का लोड नहीं है। तो पुणे में आज अल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव का लास्ट डे है। इट वॉज 2 अप्रैल टू 5 अप्रैल। ओके, सो उसका आज लास्ट डे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन सेल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक चार्जर कंपनीज, ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं देखने के लिए। मैंने सोचा चलो घर पे बैठे हैं। आद्या अवनीश भी अपने दादाजी के साथ बिजी थे, सो आई थॉट कि चलो लेट्स सीज दिस अपॉर्चुनिटी, थोड़ा घूम भी लेंगे और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा हो जाएगी, तो आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आज अपनी सवारी भी अलग है। इसको भी जल्दी चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक में, इसकी जगह लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी फ़िलहाल मेरे पास है ये वेगो TVS की, सो इसको भी आई एम थिंकिंग ऑफ एक्सचेंजिंग टू इलेक्ट्रिक। सो देखते हैं कौन सी लेना है, तो उसके भी डिसीजन में हेल्प हो शायद। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक्सपो के पास में। ओके, बड़ा है और आई थिंक कम्प्लीटली एयर कंडीशन है अंदर से, तो ज़्यादा तकलीफ ना हो बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है गाइस। सो इतना धूप में घूमना थोड़ा मुश्किल होगा। ये देखिए गाइस, कुछ डेमो चल रहे हैं यहाँ पे, शायद एक कोई स्कूटरेट का डेमो चल रहा है, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ भी कुछ उस तरफ भी डेमो चल रहा है, वो जो टेंट है वहाँ पे भी डेमोज चल रही हैं, डेमो गाड़ियाँ ही खड़ी हैं। देखिए गाइस, ये डेमो चल रहा है ऑलरेडी, लोग डेमो करते हुए। जेनेसिस नाम की कोई स्कूटर है। यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है गाइस, ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन था और ये हो गई हमारी एंट्री। कंप्लीटली तो नहीं है, अरे यार पूरा एसी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शुरुआत तो कर ही सकते हैं। काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स। सो हॉल ए से शुरुआत करते हैं, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है गाइस। आई लव AFC 22, वाह। मे भी ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है गाइस, तो हम इसको दो वीडियो में डिवाइड कर लेंगे। और ये पहला है RTO, वाह, RTO पुणे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नॉर्म्स होंगे, कौन चला सकता है, किस तरह से आप चला सकते हो।
इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं आरटीओ पर्सन, ई रिक्शा के बारे में है मेनली, और बाकी जो ई व्हीकल्स हैं उनके नॉर्म्स, वो बैटरी पे कैसे बैटरी बैकअप होना चाहिए वगैरह। तो ये देखिएगा इस टाटा का एस, हमारा छोटा हाथी इलेक्ट्रिक में। सब लोग हम इसको छोटे हाथी के नाम से जानते हैं, वो इलेक्ट्रिक में दिखाया है अभी। फाइबर बॉडी दिखाई है और इसके नीचे फाइबर बॉडी इसलिए लगाई है ताकि नीचे का पूरा दिखाई दे। बहुत नाइस सर, देखिएगा ये पूरा बैटरी का पैक दिख रहा है यहाँ पे नीचे। चासीज में कोई फर्क नहीं रहे, देखिए चासीज सेम टू सेम है और उसके ऊपर ही ये सब बनेगा। ओनली थिंग इसकी इंजन नहीं रहेगा यहाँ पे, इसकी जगह बाकी मैकेनिज्म रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और एक देख लेते हैं टाटा में और क्या, नॉर्थ वे मोटर्स, उनका ये शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमाइजेशन का ये है। जुनी गाड़ी एखादी अपन रेट्रोफिट करू शकतो, जुनी गाड़ी त्याला नॉर्म्स वगैरे आरटीओ अप्रूव्ड वगैरे अप्रूव्ड सगळं पासिंग वगैरे करून घेतो आम्ही। अच्छा, त्याच्यामध्ये फक्त 10 वर्षाच्या आतलं पाहिजे गाडी, जास्त जुनी गाडी। अच्छा, साधारण खर्च किती येतो 10 वर्षाची गाडी असेल तर? नॉर्मल सर 6 लाखापर्यंत खर्च आहे, याला तुम्ही बसवला तर 4.5 लाखापर्यंत खर्च आहे। याचा रेंज 250 किलोमीटर आहे, याचा रेंज 80 ते 100 किलोमीटर आहे, हे एवढं लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी सोबत। आता याच्यामध्ये ही गाडी आपण दाखवली ही सेदान सेक्शन आहे, तर बाकी हॅचबॅक किंवा छोट्या गाड्या पण आपण करू शकतो का सर? सध्याला आम्ही फक्त मारुतीच्या गाड्या, स्विफ्ट डिझायर, इग्निस आहे, आपलं वॅगनार आहे, हे गाड्या करतो सर। जो वॅगनार हॅचबॅक मध्ये, मग त्याची आणि याचं सेमच सर? कसं आहे, आमचं किटवर प्राईज आहे, कुठली पण गाडी आणा किटवर डिपेंड आहे, किती किलो वॅटचं बॅटरी बसवते त्याच्यावर डिपेंड। रेंज साधारण 300 किलोमीटर पर्यंत आहे सर। आणि त्याला खर्च साधारण किती रेंजमध्ये येतो? 7 ते 8 लाखापर्यंत जास्त। आपने देखा गाइस, अगर 10 इयर्स के अंदर की गाड़ी है आपकी तो आप उसको कन्वर्जन भी हो सकता है, आरटीओ अप्रूव्ड कन्वर्जन रहेगा, पूरा पासिंग वो करके देंगे और 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी गाइस, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्कूटर्स हैं, ये देख लेते हैं किसका है ये। ओके, LOG 9 पायनियरिंग रिस्पॉन्सिबल एनर्जी टीवी। यहाँ पे के ए का नंबर दिख रहा है, तो आई थिंक ये कर्नाटक की कोई कंपनी है, उनका भी पता करते हैं। ये कार्गो का इंफॉर्मेशन था। तो ये बैटरी की कंपनी है, रेंज ऑफ बैटरी। स्पेसिफिकली एक बैटरी की कंपनी है जो अलग 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 गाड़ियों में हम उसको बैटरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। वाव, देखिए गाइस कितना, अलग अलग अटैचमेंट के साथ गाड़ियाँ आती हैं। भीड़ है गाइस, तो शायद मेरा आवाज इतना क्लियर ना हो, ये देख लेते हैं गाइस। ASR एनर्जी सॉल्यूशन सिस्टम, ये आई थिंक आपका चार्जिंग स्टेशन का है। यस, EV चार्जिंग स्टेशन। सर थोडं सांगू शकाल याच्या बाबतीत, म्हणजे फक्त चार्जिंग स्टेशन सर? चार्जिंग स्टेशनचं सेटअप रेडी करून देतो कम्प्लिटली,
मिनिमम 1,000 square feet जागा आणि 15 लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे 2 चार्जिंग स्टेशन, 63 kilowatt ट्रान्सफॉर्मर, त्याचं परमिशन, इन्स्टॉलेशन, फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क, आर्थिंग इन्क्लुडिंग संपूर्ण कम्प्लेटली. आणि म्हणजे आता जे हे फक्त तुम्ही स्टेशनचं म्हणजे आता कुणाचं घर किंवा सोसायटी, सर त्या घरासाठी जे आहे ना इंडिव्हिज्युअलसाठी तो ऑप्शन आमच्याकडे नाही आहे, फक्त कमर्शियल कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन. 15 लाख तक का खर्चा और 1,000 square feet जगह, नॉट बैड गाइस. ये देखते हैं क्या है. इलेक्ट्रिकल एम्पावरिंग मोबिलिटी. हेलो सर, ये हमारा ऐप है सर, इलेक्ट्रिफाई, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जितने चार्जिंग स्टेशन है उनके लिए, मतलब जो लोकल चार्जिंग स्टेशन है या बड़ी कंपनी के चार्जिंग स्टेशन है, और आप अलग अलग ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हम सारे चार्जिंग स्टेशन ऐड करते जा रहे हैं. आपको इस चार्जिंग स्टेशन पर जितनी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है चार्जिंग स्टेशन वो सारी मिल जाएगी, मतलब आपके अपने लोकेशन के आसपास कौन सा चार्जिंग स्टेशन है, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, उसकी जो केबल है कौन से टाइप की है और उसका पावर कितना है, इसके साथ साथ अगर कोई यूज कर रहा है तो करंटली यूजिंग ऐसा स्ट्रेटेजी दिखाया जाएगा वो ऐप फ्री है या नहीं, फ्री है या नहीं वो भी दिखाया जाएगा. और आप अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहेगी और कोई स्लॉट फ्री नहीं रहेगा तो आप उसका फ्री बुकिंग भी कर सकते हैं आपके ऐप से, हमारे ऐप से. आपको ऐसे 3 से 5 बजे तक आदर चाहिए आपको स्लॉट, और आपको लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा वहाँ जाए और वेटिंग लगेगी तो आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, आप फ्री बुकिंग कर सकते हैं. तो अभी प्रेजेंटली आप कितने कंपनीज आपने इसमें एंटर किए हैं? जो बड़ी कंपनीज है उनका एक शुरू है प्रोसेस, क्योंकि उनको बड़े इसमें चल रहा है, और जो लोकल है ऐसे 200 के आसपास हमने ये अभी फिलहाल सिर्फ पुणे का दिखाएगा या अभी तो पुणे का दिखाएगा. ओके, एक महीने के अंदर पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र का ये हो जाएगा, 6 महीने के अंदर पूरा महाराष्ट्र का, और पूरे 1 साल में पूरा पैन इंडिया. गुड गुड, वेरी नाइस. तो ये अभी आपके गूगल इस पर प्ले पे फ्री अवेलेबल है? यस सर, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों पे है सर. गाइस, इलेक्ट्रिफाई ये ऐप आप यहाँ ध्यान में रखिए, आपको ये देखिए ये नाम और ये लोगो याद रखिए. तो जैसे भाई ने बताया कि इस पर आप किसी भी कंपनी का, नियर फ्यूचर में किसी भी कंपनी का चार्जिंग स्टेशन है आप वो स्टेशन इस पर देख पाओगे, इवन प्री बुक भी कर पाओगे. यस सर, आपको एक डेमो दिखाता हूँ मैं. ये हमारा ऐप है जिसका एंटर लोकेशन, फिर लोकेशन के आसपास जितने चार्जिंग स्टेशन है वो दिखाए जाएंगे. हमने ये डमी चार्जिंग स्टेशन बनाया है शो करने के लिए. सो अभी इस पे 4 पोर्ट अवेलेबल दिखा रहा है, तो आप पोर्ट सेलेक्ट करके बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं. और जो अमाउंट है वो अमाउंट अभी 200 पर आवर के हिसाब से ये चार्ज करता है, तो हम 5 रुपये का पोर्ट स्लॉट बुक करके रखते हैं कंटिन्यू, और कैश पेमेंट में पेमेंट सक्सेसफुल हो गया. फिर अभी इसका जो है आपको टाइम स्लॉट असाइन किया जाएगा, और आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे पोर्ट शुरू हो चुका है. फिर टाइम खत्म होने के बाद ये पोर्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मतलब आप जब प्री बुक करेंगे अपने टाइम पे जाइएगा और सिर्फ जो स्लॉट है उसका आपने ईवी को प्लग कीजिएगा, आपका जो टाइम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो स्लॉट बंद हो जाएगा. वाओ, सो गाइस घर पे बैठे बैठे एक ऐसा होगा कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी बुक कर लो. ट्राई करेंगे सर हम ऐप पे पेट्रोल पंप भी. आई मीन मतलब जैसे अभी पेट्रोल चल रहा है तो ये ऐसा होगा कि भाई पेट्रोल भरने जाने से पहले ही पेट्रोल बुक कर लो, गाड़ी चार्ज करने के लिए 3-4 घंटे और वेटिंग में टाइम अगर लग जाए और ऐड हो जाएगा. तो हम अभी चार्जिंग का तो शुरू है प्रोसेस में, तो हमने वेटिंग टाइम कम कर दिया. बहुत बढ़िया है गाइस, सो ये याद रखिएगा ईवी इलेक्ट्रिफाई. ये मैं
बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम लोग एक्सोरूम की बात करते हैं, तो जैसे कमर्शियल व्हीकल, जैसे पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स हम जब लेते हैं तो इंश्योरेंस और आरटीओ ये सब ऐड होता है, तो इस केस में क्या क्या ये इसमें रजिस्टर्ड व्हीकल जो है उसमें आरटीओ और इंश्योरेंस इंक्लूड है? ओके, नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल आरटीओ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है इंश्योरेंस आपके ऊपर, डिपेंड है आपको लेना है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल में जैसे अभी पेट्रोल व्हीकल्स लेते हैं तो उसमें आरटीओ नॉर्म्स के हिसाब से इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, कंपलसरी 1+4 कंपलसरी अपने लिए भी, रजिस्टर्ड व्हीकल में इसमें भी कंपलसरी है इंश्योरेंस का कंपलसरी। तो इनोवेशन कॉस्ट क्या आता है, कुछ फर्क है क्या? अभी भरे हुए हैं आपके पास जो रेंज है अभी 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर की रेंज की गाड़ियाँ हैं, तो वो सब 1 लाख के नीचे आएंगे नहीं है, बट आ सकते हैं कि शायद सब्सिडी ऐड हो तो सब्सिडी ऐड हो, स्टेट और सिटी के हिसाब से चेंज होगा ही, सेंट्रल तो सब्सिडी इंक्लूड होता है बट स्टेट का जो सब्सिडी रहता है 5,000 या 2,000 जो भी पर किलो के वजन पे आएगा भाई, 10-12,000 रुपये जो भी कंफर्म नहीं है बट कम हो सकता है। तो चलो अभी थोड़े दिन और शायद राह देखनी पड़े, बट इट इज़ गुड जॉय। याद रखिए गाइस, जब आप अगर आप ले रहे हो तो एक और क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं, ये कहाँ का बेस्ट कंपनी है? जॉय चलो चल से बड़ौदा बेस्ड कंपनी गाइस, बहुत ही अलग अलग टाइप देखने मिल रहे हैं, और ये एक जॉय का ही एक अलग ही गाड़ी है, देखते हैं गाइस अलग देख रहे हैं सेल्फ बैलेंस्ड गाड़ी है। काफी भीड़ है, इंटरेस्टिंग कुछ है इसलिए देखने के लिए काफी भीड़ है, रुकते हैं अच्छी चीज देखने के लिए जरूर। ये मेरे पीछे हेलो व्हीकल है, इसमें आई थिंक ये डिसेबल्ड स्पेशल लोगों के लिए है, स्पेशल गाड़ी डिसेबल्ड नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी गाइस, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल गाड़ी दिख रही है फिर से मेरे को। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है गाड़ी? नहीं, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए गाड़ी है नहीं। अच्छा ये प्रोटोटाइप, ओके ओके, तो ये सेल्फ बैलेंस हो जाता है। एज पर इंफॉर्मेशन ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर ये गाड़ी आज बाहर निकलती है तो ये स्पेशल लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल कार गाड़ी हो जाएगी। देखिए आपको अलग से वो जो एक्स्ट्रा टायर्स हम एक्टिव वेयर में लगाते हैं वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ऑलरेडी एक्स्ट्रा टायर यहाँ पर है विद सस्पेंशन। देख लेते हैं गाइस, थोड़ी भीड़ कम हो गई है। ये प्रोटोटाइप है, जॉय कंपनी का ही है, अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया गया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये भी देख के अच्छा लगा कि फ्यूचरिस्टिक वे में सोचते हुए लोगों ने, कंपनीज ने आप स्पेशल लोगों को भी इसमें एक स्पेशल जगह दी है, बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस, जॉय की बाइक भी है, बीस्ट नाम है इसका, बहुत बढ़िया बाइक, क्योंकि नौजवानों को बहुत अट्रैक्ट करती है इसलिए काफ़ी भीड़ है नौजवान यंग पीपल की यहाँ पे। मैं भी वैसे कम यंग नहीं हूँ। देखिए कमर्शियल व्हीकल भी है उसी का, आपको यहाँ पर कमर्शियल जगह मिल जाती है कुछ रखने के लिए। बाइक्स हैं, इवन जॉय का खुद का रिक्शा भी है, ऑटो रिक्शा, वाह। हाँ दिस इज़ गुड, अभी तक कोई ई रिक्शा देखने नहीं मिला था। सो ये है फिटवेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, आई थिंक ये पुणे बेस्ड कंपनी है और उनका ये ई रिक्शा है। भीड़ काफ़ी है गाइस, इसलिए इन्फॉर्मेशन लेना भी इतना आसान नहीं है। लॉन्च Thank you.
दो गाड़ियां दिख रही हैं यहाँ पे भी, एक पैसेंजर व्हीकल है और एक गुड्स व्हीकल है। पहले एक सांगा सर, सॉरी हिंदी बोलना चाहे ना, हिंदी में मतलब मराठी में बोला नहीं चलेगा, पूरे इंडिया को पता चलेगा दोस्त। चलो कोई नहीं, आप मराठी में दे दो, मैं उसको थोड़ा ट्रांसलेट कर। थैंक यू। कहाँ की बेस्ट कंपनी है ये? ये सर पुणे में, आप अगर टाटा मोटर का मटेरियल गेट देखोगे, मटेरियल गेट के पास में इसका कंपनी का नाम है। सो पुणे बेस्ड प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन है अपना महाराष्ट्र का। हाँ, महाराष्ट्र का। बढ़िया बढ़िया दोस्त, क्या बात है। गाड़ी में हमारे मोटर और कंट्रोलर देखा जाए तो बॉश कंपनी का है, जो बहुत बढ़िया और अच्छी कंपनी है। उसके बाद इसमें जो बैटरी यूज़ करते हैं हम सर, वो इनोटेड कंपनी की बैटरी है। तो यहाँ पे देखोगे पीछे से, तो यहाँ पे इनोटेड कंपनी है, इनोटेड कंपनी की बैटरी है। सो बैटरी है। बाकी गाड़ियों में ऐसे बहुत सारे गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक नहीं दिया होता है, हमारी गाड़ी में तीनों टायर को डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। इसका जो गाड़ी रुकती है वो बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक वे, बहुत जरूरी भी है एक्चुअली ये पूना का ट्रैफिक देखते हुए। लिफ्ट टाइप का जो रहता है ना वो कमर्शियल, वो जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन रहता है, पर हमारे इधर गाड़ी में पूरा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। वाओ, वो एक बहुत बढ़िया बात है। वेरी नाइस। इसका लुक देखा जाए सर आपने तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लुक वाइज तो बहुत अच्छी है गाड़ी। थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं, लुक की बात की है तो देखिए लुक भी काफी अच्छा है। सो ये इसका बताओ तो इस बाकी गाड़ियों में आपको चार्जर देकर घुमाने की जरूरत पड़ती है, पर हमारी गाड़ी में जो चार्जर दिया है हमने वो इनबिल्ट सिस्टम है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ केबल आपको यहाँ पे लगाना है, और नॉर्मल जो चार्जिंग करते हैं वहाँ पे आपको चार्जिंग सिस्टम पे लगा देना है। ये बहुत ही इजी सिस्टम लगा है, पूरी नॉर्मल हमारी बैटरी जो है 48 वोल्ट की है। उसके बाद जब इसका चार्जिंग टाइमिंग सर 3 to 3.5 घंटा में वो पूरा चार्ज हो जाता है। वेरी गुड। So, अभी इसका टॉप क्या स्पीड मिलेगा इसमें? सर ये लो स्पीड कैटेगरी में गाड़ी मिलती है, जो उसका L3 गाड़ी। तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं? सर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब RTO प्रोसेस जो करना है वो करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो नंबर प्लेट अभी वो सब ये वो गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी कर दिया। ओके। तो वो नंबर प्लेट्स वगैरह आपको अभी पहले जैसा बनाना नहीं पड़ता, वो गवर्नमेंट के पास से अपने आपको मिल सकता है। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। तो अभी एक फुल चार्ज में क्या रेंज देखी है आपको? सर ये गाड़ी 3-3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, उसके बाद आपको 100 तक का एवरेज मिल सकता है। 100 तक का एवरेज, वो भी कैसा, हमने जो एवरेज निकाला है बाकी मॉडल में 0 लोड पे दिखा दे, पर हमने 4 पैसेंजर प्लस एक ड्राइवर के बाद आपको 100 फुल लोड पे। वाह, उसका कीमत कितना लोडर का? सर पैसेंजर का कीमत है 2,10,000, उसका कीमत 2,20,000 के अबव जा सकता है। उसका लोडिंग कैपेसिटी कितना रहेगा? जो हमने यूज किया है ना वो सब सेम है। सो लोडर जो है उसका लोडिंग कैपेसिटी क्या रहेगा? सर 400 kg, 400 से 500 kg। पूना बेस्ड होम प्रोडक्शन। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा गाइस। सो इसके बाद यहाँ पर एक है सोनी EV। अगेन ये भी एक चार्जिंग स्टेशन का भी बहुत ही इम्प्रेसिव चार्जिंग स्टेशन और यू नो गाड़ियाँ देखने लिए। अभी तो एक ही हॉल हुआ है गाइस, चलो आगे भी चलना है। अपना जो घरातला बर्नर आहे त्यासारखंच आपण एक NCL ने डेव्हलप केलेला बर्नर आहे हा, त्याच्यामध्ये एअर इनग्रेस आणि अँगल या दोन ज्या मेन फॅक्टर्स असतात जे डिटरमाइन करतात की तुमचा बर्नर किती इफिशियंट आहे, ते आपण मॅक्सिमम यूज करून त्याला बर्नर डिझाईन केलेला आहे। आणि हा बर्नर NCL चा पेटंटेड बर्नर आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्या रेग्युलर बर्नरपेक्षा 1.8 times जास्त इफिशियंट हा बर्नर आहे। जो सिलेंडर, साध्या भाषेत म्हणायचं तर जो सिलेंडर 1 महिना चालू शकतो तो हा बर्नर वापरून 1.5 to 1.5 months चालू शकतो तो सिलेंडर। सिमिलरली एक डायमेथिल इथर म्हणून एक फ्युअल डेव्हलप केलं आहे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीने, ते LPG सारखंच एक ग्रीन फ्युअल आहे, LPG पेक्षाही जास्त ग्रीन फ्युअल आहे आणि ते फ्युअल मी हे हा बर्नर चालू शकतो। परत आपलं बायोगॅस वगैरे जे डेव्हलप होत आहे बायोगॅससुद्धा ह्याच्याने चालू शकतो, तो हे रुरल एरियाज अर्बन एरियाज सगळ्यांमध्ये चालू शकतात। सिमिलरली LPGसुद्धा ह्याच्यात बर्न होऊ शकतं।
CSIR केमिकल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इन्होंने बनाया हुआ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बनाया हुआ एक बर्नर है जो कि 1.8 टाइम एफिशिएंट है अपने अभी के बर्नर से. सो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज क्वांटिटी गाइस. और वो बर्नर भी आप यहाँ देख सकते हैं. ऑल इज फ्यूचर गाइस, ऑल इज फ्यूचर. सो अभी हॉल वन खत्म हो गया गाइस अपना, बाहर आते हैं हॉल वन से और चलते हैं आगे. ओ मैन गाड़ियाँ देखिए गाइस, ऑडी की कार है ई ट्रॉन करके. ओ माय गॉड ये देखिए गाइस 1,17,30,000 रुपए पर गाड़ी भी इतनी बढ़िया और शानदार. ये और एक गाड़ी ऑडी की है 1,79,90,000 ऑडी ई ट्रॉन जीटी. वाओ चलो बढ़िया ही है. इतने सारे फीचर्स हैं गाइस की पढ़ते पढ़ते शायद शाम हो जाए. पूरे फीचर्स का लिस्ट दिया हुआ है. और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन एका E9 बहुत ही बढ़िया गाइस. ये ई बस है, पुणे में ऑलरेडी ई बस चल तो रही है तो ये भी एक और अच्छा वर्जन दिख रहा है उसी का. लो फ्लोर बसेस, फुल फ्लेज बस है गाइस, ये कोई मिनी बस नहीं है, ये फुल फ्लेज बस है. चलिए गाइस और देखिए. हाँ मैं जो कह रहा था गाइस, ये देखिए BMPL की ई बस जो इलेक्ट्रा कंपनी की है उसे भी पुणे AFC में लाया गया है. ये बसेस पुणे में रोज दिखती हैं अभी. बहुत एपिक का काफ़ी बड़ा एक्सेल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर. एक्सेल आयंस ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये है. इवन इनका बहुत ही क्यूट सा स्कूटर देखिए गाइस. बहुत ही बढ़िया. सर ये कहाँ का बेस्ड कंपनी है? पुणे. पुणे बेस्ड कंपनी है. अरे वाह, वन मोर प्राउड थिंग, पुणे बेस्ड कंपनी. क्या बात. सो ये सारे मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च हैं या लॉन्च हैं? तो क्या रेंज और क्या कीमत में मिल रहा है? दो इसमें दो वेरियंट है, दो स्पीड और हाई स्पीड. दो स्पीड में रेंज देते हैं 70 to 75 किलोमीटर. 70 to 75 वन सिंगल चार्ज में. इसका प्राइस रेंज 75,000 एक स्पीड में. ओके. जो सेकेंड है हाई स्पीड का वो देता है सॉरी रेंज है 110 to 115 और प्राइस रेंज है 89,000 एक स्पीड. ओके ओके. सो राउंड अबाउट आपने 1 lakh के नीचे रखने की कोशिश की है. नाउ इट डिपेंड्स कि कितना सब्सिडी मिलेगा. हाँ, और आरटीओ चार्जेस क्या रहेंगे. सो अभी आपको आरटीओ चार्जेस सर बता पाएंगे आप कुछ, जैसे अभी पुणे की अगर हम बात करें? हाँ, 89,000 एक शोरूम है. आरटीओ चार्जेस रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस वगैरह वो पकड़ के सब 99,000 तक जाता है. ओके. सो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं फॉर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन और इट विल बी वेरी वेरिएशन तो होता है थोड़ा. राइट प्लस माइनस. और जैसे ये अभी मॉडल्स हमें दिख रहे हैं तो ये विद कंप्लीट एक्सेसरीज हैं कि एडिशनल कुछ एक्सेसरीज लेना पड़ता है? एक्सेसरीज जो गार्ड रहते हैं SS के वो एडिशनल, वो अलग से रहते हैं. ओके. अभी यहाँ किसी व्हीकल पे नहीं है ना SS गार्ड्स जो है? राइट. सो नॉर्मल गाइस जो हम हमारे एक्टिवा को भी साइड से स्टेनलेस स्टील के जो गार्ड्स लगाते हैं वो आप अलग से ले सकते हो. बहुत ही बढ़िया बताया सर ने, पुणे बेस्ड कंपनी और एक बहुत ही बढ़िया है गाइस. एक्सियर 99,000 तक आपको स्कूटर आ जाएगा इनका और अच्छा खासा रेंज है. वो कह रहे थे 150 140 किलोमीटर्स तक का रेंज एक
विद इन 1 लाख वाले स्कूटर्स हैं ये सारे। सो पुणे बेस्ड हैं तो कोई टेंशन भी नहीं यार, सीधा रिपेयर करा लो यार। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। प्लास्टिक भी अच्छा खासा लग रहा है गाइस।